नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। तो आप देख सकते हैं लगातार ये संख्या बढ़ती हुई और 50 से 55 ये संख्या पहुंच गई है। 5 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। सेक्टर 5 के जेजे कॉलोनी के 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव, तो एक कोरोना मरीज सेक्टर 137 वाजिदपुर का निवासी, कॉलोनी और गाँव को सील कर दिया गया है। तो जहां जहां से इस तरह की खबरें मिल रही हैं, उन इलाकों को सील यहां पर किया जा रहा है, उन बिल्डिंग को सील किया जा रहा है एहतियात के तौर पर। और अब 5 और नए केस नोएडा से सामने आए हैं। तो अभी तक हाफ सेंचुरी और अब 50 की संख्या पार कर ये संख्या 55 हो चुकी है। हालांकि जिन लोगों में ये वायरस पॉजिटिव पाया गया है उनको क्वारंटाइन कर लिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गिरीश नारायण भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरीश, अब नोएडा में 50 से बढ़कर 55 संख्या कोरोना मरीज संक्रमित की। जी, निश्चित तौर पर एक चिंता का बात है कि जिस तरह से लगातार नोएडा में मामले बढ़ते जा रहे हैं, आज की बात करें तो करीब 5 मामले जो सामने आए हैं और टोटल संख्या 55 के पास पहुंच गई है। और ये जो 5 मामले हैं इनमें से 4 झुग्गी झोपड़ी के इलाकों का है, जहां पर अभी तक कोरोना संक्रमण नहीं पहुंचा था वहां पर भी पहुंच गया है। ये झुग्गी झोपड़ी का इलाका है जहां से 4 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, वहीं एक जो अन्य पीड़ित है वो गांव का है। जी, जेजी कॉलोनी से भी एक यहाँ पर शख्स पाया गया है, उसको भी सील कर दिया गया गिरीश एहतियात के तौर पर। जी, निश्चित तौर पर जो जेजे कॉलोनी है और जो वाजिदपुर गांव है, इन दोनों ही जगहों पे कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव केस आए। और बिल्कुल गिरीश, चुनौती प्रशासन के सामने ये भी हो जाती है, जब नए केस सामने आते हैं तो प्रशासन के सामने ये तस्वीर उभर कर आती है कि 5 लोग किन किन लोगों के संपर्क में आएंगे, क्योंकि एक चेन के मुताबिक ये वायरस अपने लोगों को चपेट में ले रहा है। तो उस चेन को ब्रेक करने के लिए किस तरह के कदम अभी तक प्रशासन की तरफ से? जी, निश्चित तौर पर जो नए जिलाधिकारी आए हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो कॉन्टैक्ट को तलाशना उनकी प्राथमिकता है कि कौन जो शख्स है, जो संदिग्ध है या जो पॉजिटिव है वो किन किन लोगों से मिला है, उन कॉन्टैक्ट की तलाश की जा रही है, उन कॉन्टैक्ट पर काम किया जा रहा है। उसको लेकर भी प्रशासन काफी अलर्ट है, क्योंकि जिस तरह से जो आज मामले आए हैं, जेजे कॉलोनी है, झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, काफी घनी आबादी यहाँ पर रहती है और 4 पॉजिटिव केस आए हैं, तो अपने आप में एक सचेत करने वाली स्थिति है, क्योंकि लगातार जो मामले बढ़ते ही जा रहे हैं जिले में। बिल्कुल, और गिरीश, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो प्रभाव नोएडा में ही देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर 50 संख्या हुई थी हाफ सेंचुरी के बाद, अब ये 55 हो गई है, तो बेहद चिंताजनक स्थिति फिलहाल नोएडा में। जी, निश्चित तौर पर नोएडा में जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री भी काफी चिंतित थे और उन्होंने दौरा भी किया, साथ ही जो डीएम और जो सीएमओ थे तत्कालीन उन पर कार्रवाई की गई, उनको हटाया गया है, नए सीएमओ और नए जिलाधिकारी की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी जो नए आए हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, उन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स बनाई है, एक कॉल सेंटर स्थापित किया है जो टोल फ्री नंबर के जरिए लोगों से संपर्क करेगा, उनसे मदद लेगा, उनको सुझाव दे सकता है और साथ ही जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उस पर काम कर रहा है प्रशासन, की जो लोग संपर्क में हैं या किस से मिले हैं उनको भी तलाशने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल गिरीश, और ये कहीं ना कहीं इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे हर गुजरते दिन के साथ मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और रातों रात ये बढ़कर संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो आने वाले दिन कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण और भी हो सकते हैं प्रशासन के लिए। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अव्वल नंबर पर नोएडा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो पॉजिटिव केस हैं वो सामने आते जा रहे हैं। इससे पहले भी लगातार प्रशासन काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर काफी घनी आबादी के लोग भी हैं और तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं जहाँ का लोगों का आना जाना लगा रहता है विदेश में, उसको लेकर भी यहाँ पर काफी संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। शुक्रिया गिरीश जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।